गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल मुरादाबाद के स्पोर्ट कैंपस में जिला स्तरीय बालक बालिका स्केटिंग रिंग रेस प्रतियोगिता 2017 दो दिवसीय कार्यक्रम का समापन समारोह संपन्न हुआ। ये प्रतियोगिता मुरादाबाद जिला रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद के 30 से अधिक स्कूलों ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संचालिका प्रिया अग्रवाल कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। चैंपियनशिप के दूसरे दिन मुख्य अतिथियों द्वारा विजेताओं को ट्रॉफियां और मेडल दिए गए। इस अवसर पर गोल्डन गेट स्कूल के डायरेक्टर अंकुर खन्ना तथा राजीव अग्रवाल तथा हरिओम जी ने उपस्थित रहकर सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। प्रिंसिपल श्रीमती मंजू अग्रवाल ने बच्चों को उनके इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। अंत में एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रकांत सरन ने मुख्य अतिथि सभी डायरेक्टर मैनेजमेंट तथा प्रधानाचार्य को आभार व्यक्त किया। क्या नाम है आपका? मंजू अग्रवाल। गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल में दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट स्पीड स्केटिंग रिंक रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। कल यानी कि 1 दिसंबर को हमने इसकी ओपनिंग की, जिसमें शहर के सभी जाने माने स्कूलों ने, लगभग 20 स्कूलों ने प्रतिभाग किया। 250 बच्चों से करीब थे जो कि अंडर 12 में, और वेरी फर्स्ट डे हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। आज 2 दिसंबर को अंडर 14, अंडर 16 की सभी प्रकार की रेसेस कराई गई, और उसके पश्चात आज हमारी मुख्य अतिथि के रूप में मिसेस प्रिया अग्रवाल ने यहाँ पर आई और बच्चों को आशीर्वाद दिया। बच्चों को उनके जीत के अनुसार उनको मेडल्स प्रदान। मैम, विजेता कौन से स्कूल का था? विजेता जो चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली है वो गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल को ही मिली है, और सेकंड ट्रॉफी आर्यन पब्लिक स्कूल को मिली है, और थर्ड ट्रॉफी एसएस चिल्ड्रन को मिली है। बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस था? बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही एक्साइटिंग था, एंथुजियास्टिक था, और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की प्रतियोगिताएँ जितनी ज़्यादा होंगी बच्चों का एंथुजियाज, बच्चों की परफेक्शन बढ़ेगा, और आपस में भी उनमें एक टीम स्पिरिट की भावना, एकता की भावना जागृत होगी। सभी स्कूलों के बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेल रहे थे, बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज 15-20 स्कूलों के, अलग अलग स्कूलों के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत खुशी हो रही थी सबको देखकर। थैंक यू। और सभी के कोचेस ने भी बहुत सहयोग दिया, सबके कोचेस से मिलकर ही ये सब प्रतियोगिता सफल होती है।